मेरे उगड़दानी को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अगर तुमसे आकर कह भी देना कि भगवान शंकर को धन दे दो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को वस्त्र दे दीजिए, आभूषण दे दीजिए, शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि भगवान शिव को 56 भोग दे दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना। धन से, दौलत से, पन भोग से, तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारी दुनिया की धन दौलत सत्ता से मेरा शिव कभी प्रसन्न नहीं होगा, मेरा शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो शंकर को धन मत दो। शिव को प्रसन्न करना है तो तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना शंकर को मत दो। शिव को प्रसन्न करना है तो इतना जरूर करो, अपना दिल, अपना हृदय, अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दो, शिव तुम्हारा। शिव को प्राप्त करना कठिन नहीं है, आवाज नहीं जा रही है उधर, भक्त लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी व्यवस्था करो। शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना उपासना, बहुत साधना उपासना की जरूरत है। शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ओघड़दानी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्नता के लिए बहुत सारी साधना और उपासना की भी जरूरत नहीं। शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। केवल तुम्हारा हृदय, शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन, तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ हो जाए। आपने अगर बस ये दे दिया तो शिव तुम्हारा हो गया, शंकर तुम्हारा।